मंत्री, मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि कल को संबोधित करें। उपस्थित मीडिया के भाइयों, मैं आपके बीच में प्रदेश के अध्यक्ष की अनुमति से ऐसे प्रकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इस समय देश का ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और वो है वक्त संशोधन बिल 2024। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने संसद में बिल को पेश होने से पहले सभी स्टेट होल्डर से चर्चा की, साथ में जो सक्षम कमेटी की रिपोर्ट है उसके मामले को ध्यान में रखा गया। 2008 में जेपीसी की रिपोर्ट को भी शामिल करते हुए केंद्र ने यह तय किया कि अब समय आ गया है कि वक्त संशोधित बिल संसद में लाया जाना चाहिए। सभी स्टेट होल्डर्स जेपीसी 2008 की प्रशिक्षण कमेटी के हिसाब से वक्त पूर्व में व्याप्त प्रबंधन मिसमैनेजमेंट मिसयूज ऑफ पावर, वक्त प्रॉपर्टी को अवैध रूप से बेचान कर देना और वो भी कुछ लोगों द्वारा आम मुसलमान को उससे दूर रखा गया और वक्त बोर्ड के जो असरदार लोग हैं उन्होंने बेशुमार संपत्ति पर कब्जा कर उसको बेच के अरबों का धन अर्जित किया है। वक्त संपत्ति में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाए जाने की दृष्टि से लोकसभा में संशोधन बिल 2024 किया पेश किया था जिससे वक्त को उनके भारी प्रबंधन को रोका जा सके। ये 2024 का बिल है, 2024 बिल इज टू रिपील दी मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। A colonial era legislation that has become outdated and inadequate for managing waqf properties in modern India. The reappeal aims to ensure uniformity, transparency and accountability in the administration and management of waqf properties under the Waqf Act 1985। इसको रिपील करने की दृष्टि से ये वक्त का संशोधन बनाया गया जिसमें सच्चा कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशन की है कि वक्त में प्रॉपर्टी किसी की निजी संपत्ति नहीं बन जाए और उन्होंने कानून में परिवर्तन करने की सिफारिश की। ऐसे ही 2008 में एक राज्यसभा की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, उसने भी ये कहा था कि स्ट्रिंजेंट एक्शन फॉर अनऑथराइज्ड अलिएनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। It was observed that state work boards have also misused some of the provisions of the Act
विच क्रिएटेड डिसहार्मोनी एंड डिसअकाउंट अमंग द कम्युनिटीज. सेक्शन 40 ऑफ द वर्क एक्ट वाज वाइडली मिसयूज टू एक्वायर एंड डिक्लेयर प्रॉपर्टी इन द वर्क प्रॉपर्टी. दिस इज नॉट ओनली जनरेटेड एनॉर्मस नंबर ऑफ litigations but also disharmony among the community. तो इस संबंध में आपको जानकारी है, कि इस जो वक्त बिल संसद में आने वाला है, इसके लिए एक संगठित ग्रोथ नाम दिया जाना चाहिए. मुसलमान के वो बड़े नेता जिनकी इस प्रॉपर्टी पर निगाह है, जो इस प्रॉपर्टी को फर्जी कागज बनाकर खुर्द मुद कर रहे हैं और आम मुसलमान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, उस दृष्टि से मैं एक बड़े मुस्लिम नेता का आपको कारनामे बताने के लिए आज यहां पर आया हूं. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजल उर रहीम सबसे बड़े पैरोकार बनकर देश में मुसलमानों को भड़का रहे तथा उनको हिंसा पर उतारू कर रहे हैं. फजल उर रहीम ने इस दृष्टि से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, एनसीपी के श्रीमान शरद पवार, तमिलनाडु के श्री सीएम स्टालिन सहित अनेक बड़े लोगों से मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है तथा इनके द्वारा देश भर में एक QR कोड के माध्यम से आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है. उनकी फोटो मैं आपको बता रहा हूं. जिन जिन नेताओं से ये मिले हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, ये खड़गे जी, इसमें खड़गे जी के साथ दूसरे मुस्लिम नेता भी हैं, ये इमरान प्रतापी, दूसरे सभी मुस्लिम नेताओं के साथ लॉ कमीशन को भी इन्होंने ज्ञापन दिया है. शरद पवार के साथ और कुछ सांसदों के साथ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के साथ सपा के एक नेता के साथ सिद्धारमैया के साथ गहलोत साहब के साथ. और इसका मतलब यह है कि एक बड़े अच्छे बिल जो देश के इंटरेस्ट में है उस पर ये महोदय लोगों को एकत्र कर भड़काने का काम कर रहे हैं. अब इनके कबाड़े क्या है? फजल उर रहीम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वक्फ ट्रस्ट एवं मंदिरों की जमीन को अपनी निजी जागीर मानकर बेच दिया. इनके निजी ट्रस्टों में देश विदेश विशेषकर गल्फ कंट्री से अवैध धनराशि प्राप्त हो रही है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है. और उस अवैध धन को राष्ट्र की राष्ट्रीय कामों में ये काम ले रहे हैं.
फजलुर रहीम कांग्रेस के सफर इशारे पर देश में माहौल बिगाड़ रहे। इनकी बेटी सुल्ताना जयपुर महिला कांग्रेस की महासचिव है। इनका दामाद मोहम्मद सोएब प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य है। इससे स्पष्ट है कि इनके कांग्रेस से गहरे रिश्ते हैं और कांग्रेस के मिलकर पूरे देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। फजल उर रहीम के भाई जिया उर रहीम फर्जी कूटरचित दस्तावेज बनाकर वक्फ प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। यथा फजल उर रहीम व जिया उर रहीम द्वारा 2005 से फर्जी इकरारनामे के जरिए जामिया हिदायत ट्रस्ट जो जयपुर में बना रखा है मुसलमानों ने, वह मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशन ट्रस्ट की जयपुर एवं अहमदाबाद में स्थित 18 से 20 बीघा जो करोड़ों रुपए की जमीन है उसको बेच दिया, तथा मुंबई में उसके कागज में थोड़ा लाने में समय लगेगा आदिवासियों की हजारों करोड़ की जमीन को बेच के इलीगल एक्टिविटी देश में कर रहे हैं। इस संबंध में जब जामिया हिदायत की ट्रस्ट की जमीन को फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेच दिया तो मुस्तकिस ने इनके विरुद्ध जयसिंहपुरा खोर में 5 मुकदमे दर्ज कराए। सीधा पुलिस ने मुकदमे नहीं लिए, इसलिए 156 की इस्तगासा के जरिए एफआईआर नंबर 28/2021, एफआईआर नंबर 29/2021, एफआईआर नंबर 696/2021, एफआईआर नंबर 160/2022 एवं एफआईआर नंबर 249/2024 जो अभी थाना जयसिंहपुरा खोर में दर्ज की गई है। पुलिस ने सीधी एफआईआर नहीं ली तो प्राइवेट इस्तगासे के जरिए मुस्तकिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब इसमें जिस जमीन को खुद बुर्द किया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का स्टे दे रखा है। यथास्थिति का स्टे बनाए रखने के बावजूद भी ग्राम किशनपुरा एवं आमेर में लगभग 900 बीघा राजकीय भूमि पर कब्जा कर उसको बेच दिया और धर्म विशेष के लोगों को वहां पर बसा दिया। यही नहीं, किशनपुरा व आमेर में राजस्थान पुलिस को आवंटित 500 बीघा जमीन पर भी इन्होंने कब्जा करके कॉलोनी काट दी। जो जमीन पुलिस के लिए अलॉट हुई 500 बीघा उसमें भी ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के महामंत्री हैं महासचिव हैं इन्होंने कॉलोनी काट दी। फजल उर रहमान जियाउर रहमान व इनके दामाद सोएब और कांग्रेस कमेटी में अपने संबंधों के कारण रणनीति के तहत राजकीय भूमि को कब्जा कर मंदिर माफी की भूमि पर भी कब्जा कर 6-10-12 कॉलोनी बसाई है। एक का नाम कामानगर है, दूसरी का नाम अशरफ कॉलोनी है, तीसरी का नाम जामिया नगर है, चौथी कबीर नगर है, पांचवी इबादत नगर है, छठा मदीना नगर है, सातवां हिदायत नगर है, आठवां कलाम नगर है, नौवां रंगरेज सिटी है, दसवां एम के बिहार है, 11 डायमंड नगर है और 12 स्टार सिटी विकसित कर दिए। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जहां मैं आपको 900 बीघा का विवरण कर रहा हूं, आमेर में करीब 40 मस्जिद और 30 अवैध भूषण खाने पिछले राज में बना डाले। एक तरह से सड़वा मोड़ पर नया पाकिस्तान विकसित कर दिया गया पिछले राज में और वहाँ की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। वहाँ पर जो मेरे को जानकारी मिली है वहाँ मेवात से लोग, रोहिंग्या जिनको कन्फर्म करना मैं चाहूँगा, बड़ी तादाद में आके बस गए और वो जो ये माननीय महासचिव जी हैं उल रहीम
उनका एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, बताना भाई। जैसे उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हिंदू आ रहे हैं, इसलिए उनको साथ ही आप किरोड़ी लाल मीणा को सुन रहे थे जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही, और आगे देखिए प्रदेश हमारा।